नमः मित्राणी। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं पुनः जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज सीडेट 2019 की परीक्षा में पूछा गया जो पद्यखंड से संबंधित प्रश्न है, उस पद्यखंड से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, अभी पिछले साल के ही हाल के ही पेपर में पूछा गया था, अधो लिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। अधो लिखित श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले हमें आपके सामने श्लोकों का वाचन करते हैं। उद्यमेना हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा सत्तेन धार्यते पृथ्वी सत्तेन तपते रवेः सत्तेन वाति वायुश्च सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम् मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखे जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। प्रिय वाक्य प्रदानेना सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। केवल यही पांच श्लोक आपके सामने दिए गए हैं। इन्हीं चार पांच श्लोकों में से आपको संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता दूं, गद्यखंड और पद्यखंड से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, सबसे सरल मेथड, सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ना आपको पूरे श्लोकों को पढ़ना है, ना पूरे प्रश्नों के विकल्पों को पढ़ना है, केवल आपको जो प्रश्न दिया गया है आप देखिए, सर्वं कस्मिन् प्रतिष्ठितम्, ये जो आपका प्रश्न है, इनमें दिए गए शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस श्लोक की पंक्ति से मिल रहा है। जिस पंक्ति में वह इस श्लोक के मिलता है, समझ लीजिए आपके मित्रों, उसी पंक्ति में उस प्रश्न का उत्तर छिपा है। अब जैसे इस श्लोक में संबंधित प्रश्न दिया है, सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, तो सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम सत्ते नवाति वायुश्च सर्वम सत्ते प्रतिष्ठितम सत्ते न धार्यते पृथ्वी सत्ते न तपते रवेः सत्ते नवाति वायुश्च सर्वम सत्ते प्रतिष्ठितम सत्ते न धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी सत्य के बल पर ही विद्यमान है। सत्ते न तपते रवेः, सूर्य सत्य के आधार पर ही तपन क्रिया संपन्न करता है। सत्ते नवाति वायुश्च, हवा का चलना भी सत्य है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य में ही प्रतिष्ठित होते। तो सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सभी की प्रतिष्ठा किसमें होती है? तो वायु, वायु में नहीं, सत्य में नहीं, रवौ में नहीं, पृथ्व्याम में नहीं, सत्य, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। तो सर्वम सत्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य में ही प्रतिष्ठित होते हैं। सत्य में ही पृथ्वी विद्यमान है, सत्य में ही सूर्य में तपन विद्यमान है, सत्य में ही वायु चलती है। अतः ये सभी, एते सर्वे सत्य अपि प्रतिष्ठिता। तो मित्रों, अनेन प्रकारेण प्रश्नस्य उत्तरेण, यह प्रश्ने कथितम्, यह प्रश्ने विदितः वाक्यः, सह वाक्यस्य सामंजस्यम्, श्लोकस्य किंचित् पंक्ति एव भवति। जस्मिन् पंक्तिः, यस्मिन् पंक्तिः प्रश्नस्य सम्मेलन करणे पंक्तिः मिलति, तस्मिन् पंक्ति एव तस्य उत्तरं भवति।
उसी पंक्ति में उसका उत्तर होता है। इसी प्रकार से आप दूसरे श्लोक को देखें, दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखें, केन कार्याणि सिद्ध्यन्त, किसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै, न हि शुद्धस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ते, कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, हि माने निश्चय, कार्याणि माने कार्य की सिद्धि, उद्यम माने परिश्रम से, मेहनत से ही होती है। तो अनेन प्रश्नेन प्रश्नम पृच्छति, अनेन प्रश्ने प्रश्नम, इस प्रश्न में अनेन प्रश्ने केन कार्याणि सिद्ध्यन्त, किसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्त, उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से, कार्य करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ये श्लोक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भले ही आ चुका है लेकिन पुनः परीक्षा में पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कुन्ही श्लोकों को दोहरा दिया जाता है, तो मित्रों इनको जो है आप अस्पष्टता देखिएगा। फिर आपका है तीसरा प्रश्न, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि न सुखी भवत, मित्रेण किम कृत्वा, मित्र के साथ क्या करने पर, क्या करके जनः कदापि न सुखी भवत, लोग सुखी नहीं हो सकते। मित्र के साथ कैसा व्यवहार करने पर लोग सुखी नहीं होते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहं कृत्वा, कलहं कृत्वा, अस्पष्टतः इसका उत्तर है मित्रेण किं कृत्वा, क्या करके जनः कदापि न सुखी भवते, लोग कभी सुखी नहीं होते हैं। तो अस्यैव प्रश्नस्य सम्यक उत्तरम अस्ति, मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके, लड़ाई करके, वाद विवाद करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जैसे कि बताया गया है, प्रीणाति यः सुजरितै पितरं सपुत्रः, यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम्, तान मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतं लभन्ते। ये तीन चीजें, गुणवान पुत्र, प्रिय पत्नी और ऐसा जो है सदाचारी मित्र, ये तीन चीजें संसार में बड़े भाग्य से मिलती हैं। इसलिए मित्रों, मित्रेण किं कृत्वा, मित्र के साथ कभी भी कलहं कृत्वा, कलह करके जनः कदापि न सुखी भवति, लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। तो इसका सम्यक उत्तर होगा कलहं, कलह करके, झगड़ा करके। चौथा प्रश्न है, प्रियवाक्य प्रदानेन केतुस्यन्ते, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुस्यन्ते जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कादरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रियवाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति जन्तवः, तो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अब ये देखिए, प्रियवाक्य प्रदानेन ये आपका यहां पर मिल रहा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रियवाक्य प्रदान करके प्राणी सभी के, सभी को संतुष्ट कर सकता है। तो प्रिय वाक्य के द्वारा केतुस्यंत जंतवः, सभी प्राणियों को संतुष्ट किया जा सकता है। तो इसका सच्चा उत्तर क्या होगा, जंतवः। फिर है श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति, श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या होता है। देखिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माने महत्तम, उत्तम, गुरुतम, आदि जैसे इसके पर्याय हैं। तो यहां पर दिया है श्रेष्ठ पदस्य पर्याय उत्तम, पिता नहीं होता है,
माता नहीं होता है, उत्तम होता है। गुरु नहीं बल्कि गुरुतम अगर दिया होता तो गुरुतम हो जाता, लेकिन गुरु नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ पद से पर्याय, श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तम। उत्तम माने श्रेष्ठ होता ही है। तो अनेन प्रकारेण इस प्रकार से अस्य श्लोके श्लोकान पठित्वा तदैव अनुसारेण प्रश्नानां सम्यक उत्तरं मया दीयते, मेरे द्वारा दिया गया। मित्रों मैंने बता दिया कि बहुत सरल तरीका है, सबसे प्रश्न आप प्रश्न को पढ़िए, पद्यांश गद्यांश कभी नहीं पढ़ना चाहिए, प्रश्न को पढ़िए, जो प्रश्न है उसको देखिए किस लाइन से टैली कर रहा है, जिस लाइन में टैली कर रहा है उसी पंक्ति में आपका उत्तर छिपा हुआ है, फिर उसके बाद आप प्रश्नों के शब्दों के आधार पर उत्तर का चयन कर लें। ये सबसे सर्वोत्तम एवं सबसे सरल तरीका होता है इस श्लोक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का, या गद्यखंड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का सबसे सरलतम तरीका है। तो मित्रों चंद्रा इंस्टीट्यूट में अगर आप आए हैं तो विश्वास करिए निश्चित रूप से माँ गंगा के प्रसाद स्वरूप आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर मित्रों ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और अगर कुछ हमारे में त्रुटियां रह जाती हैं तो आप उसको हमें बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में सुधार करके और अच्छे ढंग से अपने वीडियो को दे सकें। तब तक के लिए नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।